हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हेयर वॉश की वीडियो, तो मैं हेयर वॉश की वीडियो ला दी। हैवी ऑयलिंग की हुई थी और मैंने कल ही की हुई थी। आपने उन्हें वीडियो लाइव भी हो चुका, आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं लिंक दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए। और ये मैं जैसे अपने हेयर को वॉश करती हूँ, वो मैं अपने शैम्पू पर ले लूँगी ट्रस्मे का, और कंडीशनर भी ट्रस्ट में गई है। आई नो आप लोगों को दिख रहा होगा। और मैं क्या यूज करती हूँ कि मेरे बाल इतने सिल्की और शाइनी और मेरी कलर वाल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग से कलर किया अपने हेयर को, उसके पहले भी मैं करती थी, बट मेरा बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। देखिए, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, देखिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। मैं क्या करती हूँ कि मेरा बाल इतना हमेशा सिल्की साइन रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल, चाहिए आईपीएल 400 ml वाला, फिर और एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है, प्लांट से भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने बाउल में स्पून तो लाए नहीं है मैंने, सॉरी स्पून भूल गई। तो आपको 1 स्पून लेनी है, इसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लांट से ले सकते हैं, वो भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है, मैं पहले ऐसे ही करती थी। अगर मेरे पास आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप प्लांट से भी ले सकते हैं। और एक प्लीज आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी मिलाऊंगी, इसे अच्छे से मिला के फिर मैं इसमें शैम्पू डालूंगी। शैम्पू भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही, से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं अपने थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं आप लोग के लिए तो कर ही सकती हूँ, और आप लोग फुल वॉच या कीजिए। चलिए अपने हेयर को थोड़ा सा वेट करूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा और इसमें शैम्पू डालूंगी, क्योंकि शैम्पू थोड़ा कम हो गया है। डायरेक्ट शैम्पू कभी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका हेयर टूटने का बहुत चांस हो जाता है।
अब मैं एक बार इसको धुल लेती हूँ, फिर इससे मैं दोबारा शैम्पू लगा के अच्छे से यहाँ पे मेरा देखिए कंप्लीट ही नहीं वॉश हुआ है। मैं एक बार और करूँगी, उसके बाद मेरा हेयर अच्छे से वॉश हो जाएगा। थोड़ी सी और शैम्पू ले लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाना है, वरना मैं ज़्यादा मेरे फेस पे भी आ गया है काफी सारे। देखिए अच्छे से अब मैं कंडीशनर लगाऊंगी। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और आपके हेयर को भी अच्छे से सनी स्मूथ बनाती है। इसे 2 मिनट तक आप लोग ऐसे ही लगाते रहिए ताकि आपकी जितने भी हेयर हैं अच्छे से मिक्स हो जाए और शाइनिंग। इतना करने से आपके हेयर कलर भी है तो आपके डैमेज नहीं होंगे, तो आपको केयर करनी ही पड़ेगी। पूरे बाल में स्कैल में तो बिल्कुल कंडीशनर नहीं लगाएगा वरना आपके
बाल कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि शाइनिंग की वजह से आपके बाल कमजोर हो जाएंगे तो फिर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा मत करिए। अब मैं डायरेक्ट तब मैं हेयर को देख रहे हैं कितनी शाइनिंग लग रही है। वॉश हो गई है, देखिए मैं टॉवल ले ली ले लेती हूँ। बाय बाय गाइस, और आप लोग ना फुल वॉच किया, ठीक है, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मैं